नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल विवेकानंद डिफेंस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि कल मैं अपने डिस्कस किया था, उसको लेकर आज भी अपने डिस्कस कर रहे हैं और आज अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। नया टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मैं बात करना चाहूँगा, आप पहले जो बच्चे नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको बताएं कि भाई ऑनलाइन क्लासेज विवेकानंद डिफेंस एकेडमी की शुरू हो चुकी है। तो इसके मद्देनजर रखते हुए आपको दूसरी क्लास आज प्रोवाइड करवा रहे हैं। पहली क्लास में अपने मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया था, मैं आशा करता हूँ कि आपने मुख्यमंत्री सारे याद कर लिए होंगे। देखो शुरू करेंगे अपन वन बाय वन, आपको देखो ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा 10 दिन के भीतर, आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा कि आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इधर उधर बढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन को एक ही फोकस रखना है, ठीक है। आज अपन देखो नेवी SSR AA और एयरफोर्स वाई ग्रुप के अंदर ये नारे पूछ जाते हैं कई बार कि भाई किसने नारा, कौन सा नारा दिया। ये नारे वाले प्रश्न अक्सर आते हैं नेवी के अंदर और एयरफोर्स के अंदर पूछे जाते हैं, उसको लेकर अपन शुरुआत करेंगे। अपने को ज्यादा देखो होने को तो अपन 50-60 नारे पढ़ सकते हैं, लेकिन अपन को 25 पढ़ने हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में आपको करंट अफेयर्स की भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बस आने वाले 2-3 दिन के भीतर आपको डेली करंट अफेयर्स का एक वीडियो अपलोड किया जाएगा और उस माध्यम से आपको करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने साथी करने कहा कि करंट अफेयर, विद्यार्थी ने कहा कि करंट अफेयर्स के बारे में बताओ, उनके बारे में बताओ, तो उसको लेकर अपने क्या क्या है, अपन क्या करेंगे 1-2 दिन के भीतर भीतर आपको करंट अफेयर शुरू करा देंगे, तो आपका करंट अफेयर भी तैयार हो जाएगा। यहाँ तैयार हो ही रहा है, ठीक है, दिक्कत बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुरुआत करते हैं, देखो भारत के महापुरुष के प्रमुख वचन और नारों को लेकर शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे पहला नारा देखो, नारा है जय जवान और जय किसान, बहुत ज्यादा चर्चित नारा है, बहुत ज्यादा चर्चित नारा है जय जवान और जय किसान का। ये नारा लगभग छोटी मोटी एयरफोर्स नेवी एग्जाम में है ही है, SSC जैसी एग्जाम के अंदर पता नहीं कितनी बार पूछा प्रश्न जा चुका है, कौन सा नारा, जय जवान और जय किसान। ये नारा किन के द्वारा दिया गया था, ये नारा दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था, लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा जय जवान और जय किसान का नारा दिया गया। अब देखो लाल बहादुर शास्त्री को बताया देश के कौन से प्रधानमंत्री थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, देश के कौन से प्रधानमंत्री थे, दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और आप सबको बताया कि लाल बहादुर शास्त्री देश के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी विदेश में रहते हुए मृत्यु हुई, और इनकी मृत्यु कहां हुई थी, उज्बेकिस्तान देश की राजधानी ताशकंद में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को, ठीक है। तो आपको याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री के बारे में याद रखना है। अब देखो तो आपको बताऊं, ये नारा थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया, ये नारा क्या हो गया, थोड़ा मॉडिफाई हो गया, और बढ़ गया। देखो वर्तमान में नारा है जय जवान जय किसान तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय दिया, अब इससे ये नाम और जुड़ गया जय विज्ञान, एक शब्द क्या जुड़ गया जय विज्ञान। अब जय विज्ञान जो शब्द है ये नारा किसने दे दिया, अब जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये नारा किन्होंने दिया, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अभी हाल ही में मोदी जी ने एक शब्द जोड़ दिया जय अनुसंधान, क्या जोड़ दिया जय अनुसंधान, तो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, अभी इतना बड़ा नारा हो गया। ये तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया, जय विज्ञान जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और मोदी जी ने क्या जोड़ा है जय अनुसंधान नारा जोड़ने का कार्य किया। यहाँ तक कितना याद हो गया अपने को, 4, पहला जय जवान जय किसान शास्त्री जी ने दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान ये नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है। तो आपको यहाँ से नारे आपको याद रखने हैं, ठीक है ना, या आपको नारे याद हो जाने चाहिए, ठीक है। आगे देखो दूसरा, मारो फिरंगी ये नारा किसने दिया था, मंगल पांडे, मंगल पांडे को आप सभी जानते हैं, मंगल पांडे ने क्या दिया था, ये नारा दिया था, कौन सा नारा दिया, मारो फिरंगी नाम का नारा दिया था। देखो 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की जो क्रांति थी, उस क्रांति का अगर मद्देनजर रखा जाए तो उस क्रांति के तहत देखो नारा दिया गया था, उन्होंने दिया था मारो फिरंगी वगैरह नारा दिया, उनको अंग्रेज अपने देश के ऊपर क्या करने लगे थे, अधिकार स्थापित करने लगे थे, तो उस दौरान उन्होंने नारा दिया था कौन सा, मारो फिरंगी नामक नारा देने का कार्य किया था, ठीक है। आगे देखो अगला है
जय जगत भाई, जय जगत का नारा किसने दिया? ये नेवी के एग्जाम में पूछा गया भाई, ये नेवी के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है, जय जगत का नारा किसने दिया? तो विनोबा भावे ने दिया। किसने दिया? जय जगत का नारा दिया था विनोबा भावे जी के द्वारा, जय जगत का नारा दिया गया था। अगला है कर मत दो, कर अंग्रेजों को कर मत दो, ये नारा किनके द्वारा दिया गया था? ये नारा दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। किनके द्वारा? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। किसका नारा दिया गया था? चलो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कर मत दो का नारा देने का कार्य किया गया था। देखो आप सबको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को किसके नाम से जानते हैं? लोहा पुरुष। किनके नाम से जाना जाता है? लोहा पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। वो इनका जन्मदिन आता है 31 अक्टूबर को, और 31 अक्टूबर को आपको सबको बताई है कि किन के रूप में मनाते हैं? एकता दिवस, यूनिटी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वो इनकी मूर्ति है स्टेचू ऑफ यूनिटी, विश्व की वर्तमान में सबसे ऊंची मूर्ति है। तो कर मत दो का नारा किसने ने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा कर मत दो का नारा देने का कार्य किया गया था। अगला है संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश जी नारायण के द्वारा किसका नारा दिया गया था? तो जयप्रकाश जी नारायण के द्वारा किसका नारा दिया गया था? संपूर्ण क्रांति का नारा देने का कार्य किया गया था। देखो इन्होंने क्रांति शुरू की थी, उसी क्रांति के तहत देश को एकजुट करने के लिए इन्होंने किसका नारा दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा देने का कार्य किया था। अगला है विजय विश्व तिरंगा प्यारा। ये एग्जाम, ये एयरफोर्स, ये एयरफोर्स के एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये नारा भी किनके द्वारा दिया गया था? ये नारा दिया गया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। किनके द्वारा दिया गया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा। देखो कुछ ऐसे नारे हैं जो आपके साथ, जैसे छोटी क्लास में आपके साथ रिपीट हुए हैं, इनमें कुछ नारे ऐसे हैं जो रिपीट नहीं होते हैं, पहली बार अपने को देखने को मिलते हैं। तो उन नारों में से एक नारा है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, और ये नारा दिया गया था श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा, ये नारा देने का कार्य किया गया था। तो अपने कितने नारे याद रखे? अपने को ये 25 नारे याद करने, उसमें से अपने कितने नारे याद करने? 6। देखो नारे एक ही बार याद होंगे। देखो देश में आप एयरफोर्स कैंप में जा रहे हैं, देशभक्ति का जज्बा है आप में, और जज्बे के तहत आपके नारे साथ साथ में याद रखने हैं। और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री जी, मारो फिरंगी मंगल पांडे, जय जगत विनोबा भावे, कर मत दो किसने दिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, विजय विश्व तिरंगा प्यारा पार्षद गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता पार्षद के द्वारा नारा दिया गया था। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। आई थिंक ये सबको याद हो गए होंगे। आपको कमेंट में साथ साथ में देखो मैं सब बोलता हूँ ना, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया, तो आपको तुरंत टाइप करना है, कमेंट करना है, लिखना है लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा नारा दिया गया था। अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अगले नारे की शुरुआतें करते हैं। ठीक है, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला देखो, अगला है वंदे मातरम। ये अपना जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये वंदे मातरम नामक नारा है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कौन सा नारा दिया गया था? वंदे मातरम का नारा देने का कार्य किया गया था। ये किसने कहा था? जय जन गण मन, जन गण मन के रचयिता कौन है? आपको पता है जन गण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और जन गण मन अपना क्या है? राष्ट्रीय राष्ट्रीय गान है जन गण मन, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी कहा जाता था। और सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में प्रदान किया गया था। ठीक है, साम्राज्यवाद का नाश हो, यह नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। देखो पहले बहुत ही युवा अवस्था के अंदर देशभक्ति की भावना होती थी, लेकिन अब वाले युवा तो क्या हो गए, चक्रों में खराब हो गए सारे के सारे भाई, अब और ही चक्र में पड़ गए युवा। जिस उम्र में अपने को देशभक्ति का जज्बा होना चाहिए, उस टाइम को युवा पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं। तो उस लाइन को छोड़ो और नई लाइन में आओ, क्योंकि अब थोड़ी अट्रैक्शन वाला सिस्टम होने लग गया। अट्रैक्शन बोले तो ये प्यार व्यार वाला थोड़ा सिस्टम हो गया ना, हाँ, तो इससे थोड़ा प्यार बाहर निकला आपको। क्यों? क्योंकि किसी शायर ने कहा कि लड़कियों से प्यार मत करो, लड़कियों से प्यार है मत करो, क्योंकि वो दिल वो खीर की तरह होती हैं, दिल में चुभती हैं और लास्ट में फकीर बनाकर छोड़ती हैं। तो अपने को वो प्यार व्यार वो द्रोल नहीं रहना। भगत सिंह जैसे देखो महान व्यक्ति हैं आपके सामने, आप जिक्के में तो आप जैसे मान के चलो वैसे प्रेरणा स्रोत मिलेंगे जिसके लेकर अपन बहुत कुछ कर सकते हैं अपने देश जीते तू। तो साम्राज्यवाद का नाश हो, ये किसने कहा था? भगत सिंह के द्वारा कहा गया था। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, ये आपने छोटी क्लास में लगातार पढ़ते आए हैं। किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। किन्होंने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज्य हमारा जन्म से अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। अंग्रेजों के विरुद्ध उग्र होने की मुहिम छेड़ने का कार्य किया था।
ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद, ये पॉपुलर नारा है इंकलाब जिंदाबाद। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा क्यों दिया था भगत सिंह ने, इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने का कार्य किया, कि उन्होंने कहा कि जिंदाबाद है जिंदाबाद रहेंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को इसमें क्या किया था जागरूक किया था, उसके तहत उन्होंने क्या दिया था इंकलाब जिंदाबाद का भी नारा देने का कार्य किया था। ठीक है, दिल्ली चलो नेताजी, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया नेताजी ने, नेताजी अपन किसे कहते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, सुभाष चंद्र बोस को अपन नेताजी के नाम से जानते हैं, और उन्होंने किसका नारा दिया था दिल्ली चलो का नारा देने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि दिल्ली चलो और वहीं से अपने देश को क्या करेंगे आजाद करवाने का कार्य करेंगे। ठीक है, करो या मरो, या तो करो या मर जाओ, लास्ट में गांधी जी ने नारा दे दिया था। गांधी जी शुरुआत में अहिंसा की नीति पर चले थे, लेकिन अंग्रेजों ने गांधी जी की अहिंसा की नीति का क्या किया दुरुपयोग करने का कार्य किया। इसके बाद गांधी जी ने अंतिम रूप में देश को आजाद कराने के लिए क्या दिया, किसका नारा दिया, उन्होंने कहा करो या मरो। देखो दो नारे हैं, करो या मरो, ये तो दिया था महात्मा गांधी जी ने, करो या मरो का नारा किसने दिया महात्मा गांधी जी ने दिया था, और मरो नहीं मारो, देखो एक नारा और चलता है मरो नहीं मारो, मरो नहीं मारो, ये नारा क्यों उन्होंने दिया था, ये लाल बहादुर शास्त्री अपने देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, तो इन्होंने नारा दिया था मरो नहीं मारो, तो मरना नहीं है अंग्रेजों को मारो, ये नारा इन्होंने दिया था। और करो या मरो का नारा किन उन्होंने दिया था, करो या मरो का नारा किन उन्होंने दिया था महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी को आप जानते हैं किसके नाम से जाना जाता है, बापू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखो जय हिंद, अगला नारा कौन सा है जय हिंद, और जय हिंद का नारा किसने दिया आप सबको पता ही है, जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अपन देखो डिफेंस सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, और डिफेंस सेक्टर के अंदर जय हिंद शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। जय हिंद आपको हर स्थान पर आपको जोश पैदा करने के लिए जय हिंद का नारा दिया जाता है, और आपको याद रखना है कि जय हिंद का नारा किसके द्वारा दिया था सुभाष चंद्र बोस। देखो बीते 5-4 साल की बात करें तो देखो ये तो ये जय हिंद वाला नारा आया था एग्जाम के अंदर, जय हिंद का नारा पूछा गया था। ठीक है, दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस का नारा पूछा गया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा पूछा गया था, और ठीक है साथ स्वराज्य जन्म से देगा, ये चार ऐसे नारे हैं जो बीते 3-4 साल में एग्जाम में आ चुके हैं। देखो एग्जाम में एनआर में आता है, एनएमआर में आता है, ठीक है, इसके अलावा एसएसआर के अंदर और डबल ए हो गया और वाई ग्रुप हो गया, इन एग्जामों के अंदर बहुत बार नारे पूछे जाते हैं, पेपर बहुत इजी आता है, अपन दूर भागते हैं जीके से, दूर भागने की जरूरत नहीं है, आपको रुचि पैदा करनी है, और एक बार रुचि पैदा हो गई तो उसके बाद वो घबराने की जरूरत नहीं है। तो कौन सा नारा दिया इन्होंने सुभाष चंद्र बोस ने, जय हिंद का नारा देने का कार्य किया। सुभाष चंद्र बोस जी के दो नारे हो गए, उनको नेताजी के नाम से जानते हैं अपन, ये तो जय हिंद का नारा, और ये कौन सा दिया दिल्ली चलो, करो या मरो का किसने दिया महात्मा गांधी जी ने, इंकलाब जिंदाबाद का किसने दिया भगत सिंह ने दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है हम लेकर रहेंगे बाल गंगाधर तिलक, जिसे असंतोष का जनक भी कहा जाता है, साम्राज्यवाद का नाश हो ये नारा भगत सिंह ने दिया था, जनगण मन ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया, वंदे मातरम ये किन्द्र बंकिमचंद्र चटर्जी के द्वारा दिया गया था। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद अपन आगे बाकी के नारों का अध्ययन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ साथ देखो मेरा कहना कमेंट करते रहे, कमेंट आपको बार बार करना है, ज्यादा से ज्यादा अपने डिफेंस जो विवेकानंद डिफेंस अकेडमी आपका अपना जो यूट्यूब चैनल है उसको शेयर करना है, लाइक करना है, और साथ साथ में क्या करना है सब्सक्राइब करते हुए चलना है। ठीक है, आगे देखो आगे करते हैं पूर्ण स्वराज्य, सबसे पहले पूर्ण ऐसा करते हैं पूर्ण स्वराज्य की मांग किसके द्वारा रखी थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने, नेहरू जी ने अंग्रेजों के सामने कहा कि हमारे पूर्ण स्वराज्य दे दो, अंग्रेजों का कहना था कि हमारे अकॉर्डिंग संविधान का निर्माण वगैरह किया जाएगा, लेकिन गांधी जी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं हमारे, नेहरू जी ने साफ इनकार कर दिया कि नहीं हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए, आप हमारे देश से जाओ पूरा अधिकार हमें प्रदान करो, इन्होंने इसलिए पूर्ण स्वराज्य करना दिया। और आपको बताई है नेहरू जी को अपन किसके नाम से जानते हैं, चाचा नेहरू के नाम से भी जानते हैं, और इनका जन्म कितनी 14 नवंबर को हुआ था, और 14 नवंबर को अपन बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और देश के पहले प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री के पद के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा। ठीक है, आगे देखो हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान ये किसने कहा था, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, देश को क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि देश अलग हो दो भागों में टूट जाए, लेकिन उन्होंने क्या दिया हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नाम क्या दिया था नारा देने का कार्य किया था। वेदों की ओर लौटो ये सब किसने कहते हैं दयानंद सरस्वती ने, भाई अपनी जो प्राकृतिक संस्कृति आज भारत विश्व में अपनी संस्कृति के लिए ही जाना जाता है, और विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज अपने देश की संस्कृति को अपना रहे हैं, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए वेदों की ओर लौटो नामक नारा किसने दिया था दयानंद सरस्वती ने दिया था। और वेद कितने हैं 4 वेद हो जाएंगे। ठीक है, आराम हराम है
ये नारा किसने दिया, पॉपुलर नारा है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आराम हराम है का नारा दिया गया था। हे राम, ये नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। देखो आराम हराम है का नारा तो दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और हे राम नामक नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने। और महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था, जिसे हम किसके रूप में मनाते हैं, जिसे अपन अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया, तो भारत छोड़ो का नारा भी महात्मा गांधी ने दिया। भाई देखो गांधी जी के 3 नारे हो गए, करो या मरो, ठीक है, इसके अलावा हे राम, और इसके अलावा भारत छोड़ो, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण नारे हैं, और तीनों के तीनों आपकी डिफेंस की जो एग्जाम है ना उनके अंदर पूछे जा सके हैं। भाई कोई बंदा जो आर्मी की तैयारी कर रहा है वो भी साथ साथ में आप ध्यान रखें, ये वचन नारे आर्मी को लेकर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर देखो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, देखते हैं बाजू में किसमें कितना दम है। तो नारा दिया था ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट नारा है, कौन सा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, ये नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था, ठीक है, आप इतना याद रखने हैं। तो दोबारा से देखो, पूर्ण स्वराज्य का नारा किसने दिया, जवाहरलाल नेहरू ने। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किन्होंने दिया, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा दिया गया। वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया। आराम हराम है ये जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया। हे राम ये किसके द्वारा दिया गया था, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा। भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया, और सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये नारा दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, ठीक है। आगे देखो सरफरोशी की तमन्ना ये हो गया। अगला देखो सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये बहुत पंक्तियां, ये ऐसा मान के चलो इन पंक्तियों का इतना महत्व है, अगर इन पंक्तियों को आपको डिस्कस किया जाए तो ये पंक्तियां के बारे में जब अपन पूरी व्याख्या करते हैं तो ऐसा मन में होता है कि हाँ यार मैं भी देशभक्ति के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगा। ये दो नारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, ये नारा किसी द्वारा दिया गया था, इकबाल के द्वारा नारा देने का कार्य किया था। दोनों नारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये नारा भी 2018 की एयरफोर्स की वाइट की जो एग्जाम लगी थी उसके अंदर भी पूछा जा चुका, कौन सा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें क्या दूंगा, आजादी प्रदान करूंगा, मतलब युवा वर्ग है उसमें जोश पैदा करने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था, ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा किन के द्वारा दिया गया था, ये लाला लाजपत राय। देखो 3 व्यक्ति लाल पाल बाल, उनमें ने देखो उनमें से आपको याद करना है लाला लाजपत राय ने साइमन कमीशन वापस जाओ का क्या दिया था, नारा देने का कार्य किया था। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो अंग्रेजों द्वारा भारत में कानून बनाने के लिए लाया गया था। और लिव्स इफ इंडिया डाइज, देखो लिव इफ इंडिया डाइज ये एनडीए का है सर, ये एनडीए में जरूर पूछा गया है, हालांकि अभी तक एयरफोर्स नेवी के अंदर नहीं पूछा गया है, लेकिन एनडीए के अंदर जरूर पूछा गया है। लिव्स इफ इंडिया डाइज ये नारा किन के द्वारा दिया गया था, देश के पहले पहले प्रधानमंत्री, और देश के पहले पहले प्रधानमंत्री आप सबको पता ही है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा देने का कार्य किया गया था, ठीक है ना। ये 25 नारे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने आप में, ये नारे आपको याद रखना है, ठीक है। इन नारों को याद रखना है, याद नहीं रखना, इनको साथ साथ में रिपीट करना है, हालांकि इनको आपको पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी, जितने दिन आपको पीडीएफ उपलब्ध नहीं होती है उतने दिन लगातार इन नारों को आपको क्या करना है, रिपीट करना है। देखो यहां से आई थिंक वाई ग्रुप के अंदर अगर जिक्र किया जाए और एमआर और अगर जिक्र किया जाए इनमें अंदर एक क्वेश्चन आपको यहां से जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको बार बार कहता रहे लगातार, आपको ये नया प्लेटफॉर्म मिला है कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नया प्लेटफॉर्म मिला है, इसको बार ज्यादा फॉलो करना है, और बार बार जो वीडियो है उनको बार बार उनको आपको देखना है। जितनी बार आप वीडियो को देखो, वही बात आ गई फिल्म वाला सीन है, जितनी बार फिल्म देखोगे उतनी बार उतना याद हो जाएगा, वैसा ये है जितनी बार आप देखोगे उतना इंटरेस्ट पैदा करो सर, और आपको कोचिंग में जाना है, आराम से घर बैठे रहो, स्टे होम, सेफ रहो, सुरक्षित रहो, और आराम से अपना क्या करो टारगेट को पूरा करो। टारगेट पूरा करो ऐसा नहीं है कि भैया तुमको एग्जाम देके स्वाइन फ्लू ये सॉरी कोरोना वायरस चल रहा है क्या होगा क्या नहीं होगा, नहीं, आपको मैं बताऊं आपको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करनी है, और अपने को पहले से तैयार हो, जैसे ये कोरोना वायरस खत्म अपना सिलेक्शन पक्का, जब भी एग्जाम लगे अपना सिलेक्शन देना है। देखो इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा, आप गाँव में गए हो तो गलत काम तो करने नहीं है, अच्छे काम करने हैं, अच्छे कामों में रहो, और ये लड़कियों लड़कियों के चक्करों में अपने को नहीं आना है, ठीक है ना। आपको जो अपना फोकस रखना अपने को, आप सबको पता रहता की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये अपना ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत महत्वपूर्ण वचन और नारे ये आपको याद रखना है एमआर वगैरह एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आज के लिए इतना ही।